क्रिकेट के सबसे बड़े महासमर आईपीएल 2022 का आगाज होने वाला है। आईपीएल सीजन 15 में आपके चाहते खिलाड़ी किस टीम से खेल रहे हैं, इसके लिए मेगा ऑक्शन होना जरूरी है। यह मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होने वाले हैं। मेगा ऑक्शन से पहले उन खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई है जिन पर बोली लगने वाली है। 2021 तक आईपीएल में 8 टीमें खेला करती थी, लेकिन इस बार 2 नई टीमों को शामिल किया गया है, जिसके बाद नीलामी के लिए 10 टीमों के पास 217 स्लॉट खाली हैं। बता दें कि इस बार 19 देशों से 1214 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने 590 खिलाड़ियों को फाइनल नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। उन खिलाड़ियों में 370 भारतीय खिलाड़ी और 220 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, मोहम्मद शमी, ईशान किशन, सुरेश रैना, युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है। वहीं अगर विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो फाफ डुप्लेसिस, डेविड वार्नर, कैसगो रबादा, जेसन होल्डर और जॉनी बेयरस्टो जैसे नाम शामिल हैं। कुछ दिग्गज खिलाड़ी जो कि आईपीएल की छान रहे हैं, जैसे एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, रिटायर होने की वजह से इस बार आईपीएल नहीं खेलेंगे। इस बार विदेशी खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया से 47, वेस्टइंडीज से 34 और साउथ अफ्रीका से 33 खिलाड़ी शामिल हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए 590 खिलाड़ियों में से 228 कैप्ड खिलाड़ी और 355 अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा 7 खिलाड़ी एसोसिएट नेशन से भी शामिल हैं। मेगा ऑप्शन में सभी टीमों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। आइए जानते हैं क्या है नियम। आईपीएल 2022 की नीलामी बाय बदल में होगी। फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों का 9, 10 और 11 फरवरी को कोरोना टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उन्हें नीलामी में शामिल होने की अनुमति होगी। टेस्ट बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा। पिछले 15 दिनों में विदेशी दौरे के बाद भारत लौटे प्रतिभागियों को 7 दिनों के अनिवार्य क्वारंटाइन से गुजरना होगा। 12 और 13 फरवरी को सुबह 7 बजे कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सदस्य तब तक अपने कमरों में रहेंगे जब तक उनकी रिपोर्ट निगेटिव नहीं आ जाती। मेगा ऑप्शन में शामिल होने वाले सभी लोगों को अपनी मेडिकल जानकारियां जैसे निगेटिव रिपोर्ट, वैक्सीन की कितनी डोज लगी है आदि का विवरण बीसीसीआई की मेडिकल टीम को देनी होगी। मेगा ऑप्शन के दौरान अधिकारियों को हर समय मास्क लगाकर रखना होगा, साथ ही समय समय पर हाथ भी सैनिटाइज करने होंगे। कुल 33 खिलाड़ियों को 10 फ्रेंचाइजी द्वारा रिटेन किया जा चुका है, जिनके नाम और टीमें इस प्रकार हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने रविंद्र जडेजा को 16 करोड़, एमएस धोनी 12 करोड़, मोइन अली 8 करोड़ और ऋतुराज गायकवाड़ को 6 करोड़ में रिटेन किया है, जिसके बाद इनके पर्स में 48 करोड़ रुपए मौजूद हैं। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा 16 करोड़, जसप्रीत बुमराह 12 करोड़, सूर्य कुमार यादव 8 करोड़, कायरन पोलार्ड को 6 करोड़ में रिटेन किया है, जिसके बाद इनके पर्स में 48 करोड़ रुपए मौजूद हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने आंद्रे रसल 12 करोड़, वरुण चक्रवर्ती 8 करोड़ और वेंकटेश अय्यर 8 करोड़ और सुनील नरेन को 6 करोड़ में रिटेन किया है, जिसके बाद इनके पर्स में 48 करोड़ रुपए मौजूद हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने विराट कोहली 15 करोड़, ग्लेन मैक्सवेल 11 करोड़ और मोहम्मद सिराज को 7 करोड़ में रिटेन किया गया है, जिसके बाद इनके पर्स में 57 करोड़ रुपए मौजूद हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन 14 करोड़, जोस बटलर 10 करोड़, यशस्वी जायसवाल को 4 करोड़ में रिटेन किया है, जिसके बाद इनके पर्स में 62 करोड़ रुपए मौजूद हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने केन विलियमसन 14 करोड़, अब्दुल समद 4 करोड़, उमरान मलिक को 4 करोड़ में रिटेन किया है, जिसके बाद इनके पास 68 करोड़ रुपए भी मौजूद हैं। पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल 12 करोड़, अर्शदीप सिंह को 4 करोड़ में रिटेन किया है, जिसके बाद इनके पर्स में 72 करोड़ रुपए मौजूद हैं। दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत 16 करोड़, अक्षर पटेल 9 करोड़, पृथ्वी शॉ 7.5 करोड़, हेनरिक नोकिया को 6.5 करोड़ में रिटेन किया है, जिसके बाद इनके पर्स में 42.5 करोड़ रुपए बचे। और वहीं दो नई टीमों की बात करें तो अहमदाबाद ने हार्दिक पांड्या 15 करोड़, राशिद खान 15 करोड़ और शुभमन गिल को 8 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया, जिसके बाद उनके पर्स में 52 करोड़ रुपए बचे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल 17 करोड़, मार्कस स्टोइनिस 9.5 करोड़ और रविंद्र बिजनोई को 4 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया, जिसके बाद इनके पर्स में 59 करोड़ रुपए बचे हैं। ऐसे ही आईपीएल से जुड़े हम सारी खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।